एम एस सफल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। बात करते हैं TCS के पहले तिमाही नतीजों के बारे में। यहाँ कंपनी की तरफ से उम्मीद से कमजोर आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। डॉलर आई में 2.8% का जंप दिखाई दिया है, जबकि बाजार की एक्सपेक्टेशन थी 3.5% का जंप दिखाई देगा। कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ भी 2.4% पर आया है, जबकि बाजार की एक्सपेक्टेशन थी 3.3% का ग्रोथ डिलीवर होगा। मार्जिन 25.5% पर आए हैं, पिछले तिमाही के 26.8% के मुकाबले। वेज हाइक्स के कारण ही यहाँ पर दबाव दिखाई दिया है। बाजार की एक्सपेक्टेशन थी 25.75% पर ये मार्जिन आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ये आंकड़ा उम्मीद से कमजोर आया है। मुनाफे में 2.6% की गिरावट दिखाई दे रही है, 9000 करोड़ के पास ये आंकड़ा आया है, जो उम्मीद से कमजोरी है। इंडिया कारोबार में तिमाही दतिमाही 14% की गिरावट दर्ज हुई है और इसी के कारण सबसे ज़्यादा दबाव पड़ता हुआ दिखाई दिया है। डील विंस भी कमज़ोर रहे हैं, इस तिमाही में 12% की गिरावट तिमाही दतिमाही देखने को मिल रही है। ओवरऑल TCS की तरफ से उम्मीद से कमज़ोर आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। ये नतीजे गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद दर्ज हुए हैं, तो शुक्रवार को इन नतीजों का असर शेयर पर दिखाई देगा। शुक्रिया।